एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के जनपद आगरा से यूपी के जनपद आगरा में क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ लूट की वारदात का मामला सामने आया। बाजार से अपने घर की तरफ लौट रहा था क्षेत्र पंचायत सदस्य, इसी दौरान सुनसान जगह पर बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश क्षेत्र पंचायत सदस्य से 20,000 रुपए मोबाइल और बाइक छीनकर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य को जमकर पीटा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। पूरा मामला यूपी के जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के रेलवे लाइन के पास की घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के जनपद आगरा से है। यूपी के जनपद आगरा में क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ लूट की वारदात का मामला सामने आया। बाजार से अपने घर की तरफ लौट रहा था क्षेत्र पंचायत सदस्य, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने सुनसान जगह पर क्षेत्र पंचायत सदस्य से 20,000 रुपए मोबाइल और बाइक छीनकर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य को जमकर पीटा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजकुमार, क्या मामला हुआ था आपके साथ? हमारे साथ आगरा से दुकान से बंद करके गांव की तरफ भागा था, तो जो रेलवे की जो पुलिया है इधर निकल के मेरे को तीन लड़के मिलते, तो उन्हें जो बातचीत करते हैं मेरे से भैया भैया, तो मैंने गाड़ी नहीं रोकी, हल्की सी रोक के मेरी बाइक पर सवार हो गया। दो लड़कों ने आके फिर धक्का मारा मेरे साथ मारपीट करके, दोनों की तीनों की हमारी हाथापाई हुई जम के, फिर मैंने गड्ढे की साइड हम तीनों के पड़े। कई दो तीनों ने मेरे को धावा उधर मारपीट भी की। मारपीट करने के बाद दो लड़के मेरी बाइक पर ही सवार हो गए। तब एक को मैं दाब के बैठा था, तो मतलब दो आवाज़ लगा रहे थे, तो मतलब वो नहीं निकला मेरे नीचे से। तब उधर बात करी, तब फिर उतर के आए, फिर तीनों ने मेरे को इधर उधर धक्का दे दवा के फिर तीनों बाइक पर सवार होकर निकल चुके। क्या गले गए आपसे? मेरे से मतलब 20,000 रुपये थे दुकान के, और मतलब गाड़ी, और मेरे हाथ में एक अंगूठी सोने की थी और एक चांदी। अच्छा, घटना के बाद पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को मतलब जब मैं थाने गया था, तो जब वहाँ मुंशी बैठे थे वही सब, तो मैंने बोला भैया मेरी रिपोर्ट लिखो, किसी ने मेरी रिपोर्ट नहीं वो करी थी। तब मैं गया था ब्लॉक प्रमुख जी के घर पर, ब्लॉक प्रमुख जी की घर पर ब्लॉक प्रमुख जी थे नहीं, उनके लड़के ने उनके पापा को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद उनके पापा से मेरी बात हुई, तब उन्होंने कही आप थाने पहुँचो, तिवारी जी से बात करो। मौके पर SPRA साहब आए थे? हाँ। क्या मामला? उन्होंने कहा था SP साहब भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि हाल ही इतला करी, हाल ही मेरी रिपोर्ट लिखी गई थी। तब फिर मतलब DSP साहब भी आए हैं, उन्होंने भी मेरे से पूछा जाची करी मैं घटना के द्वारे पर उस पर, तो मेरे साथ गाड़ी लेके गए। कैमरे उन्होंने ये वाला चेक कराया था डेरी पे, और कैमरों की सबकी कह दी कि चेक करा। क्या लगता है कैसे लड़के थे, कुछ पहचान में है? हाँ, लड़के मतलब ज़्यादा उनकी हाइट लंबाई ज़्यादा नहीं है, मीडियम है, और ना मोटे है, बराबर के लड़के हैं ऐसे। उनकी उम्र है 18 से 22 तक की उम्र है।